आई हैव बिन, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल रही हूँ कि जो जो बचपन से जो जो मुझे कैरेक्टर्स करने मिले हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं. जैसे इवन बचपन में एज अ चाइल्ड एक्टर जो मैंने लेट्स से कभी अलविदा ना कहना उसमें मैं गीक प्ले करी थी. फिर एट द सेम टाइम मैं फूंक में आई वॉज प्लेइंग अ गर्ल हु गेट्स पोजेस्ड. सो विथ एवरी फिल्म, विथ एवरी प्रोजेक्ट, इवन वेन एवर आई डिड टीवी, उसमें भी हर चीज़ मैं बहुत अलग कर रही थी हर कैरेक्टर से. तो वो चेंज ऐसे स्पेसिफिकली एक किससे नहीं आया. आई थिंक आई हैव ग्रोन अप ऑन सेट. मेरे आसपास के जो बहुत लकीली जो मेरे आसपास रहे उनके साथ एवरीबडी हैव बीन सो एक्सपीरियंस्ड. इतने लेजेंड्स के साथ टचवुड फॉर्चुनेटली मुझे काम करने का मौका मिला है, तो मैंने उनसे चीज़ें सीख के क्या ये सब फिर ये आप दे वर थिंकिंग दैट दे हैव वर्क्ड विद सच एन एक्सपीरियंस. सर 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 100% लाइक आई हैव गॉटन अ चांस टू वर्क विथ सच ग्रेट एक्टर्स. तो मुझे हर स्टेप पे कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे लगता है कि दिस प्रोजेक्ट हैज चेंज मी और दिस प्रोजेक्ट. लाइक इवन फॉर कोटा, व्हेन कोटा हैपेंड मुझे मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हिट होगा शो या इतना. हमें पता था कि इट विल डू वेल, हमें पता था क्योंकि ऑन स्क्रिप्ट इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट. बट जिस तरीके से प्यार मिला है, लाइक आज भी हम जब कोटा जाते हैं तो बाहर हमारी वैन के बाहर 100-100 लोग खड़े रहते हैं पूरा पूरा दिन धूप में और वेट करते हैं कि एक झलक हम सबकी मिल जाए. तो ये सारी चीज़ें हर पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है समथिंग और द अदर चेंजेस इन मी एंड फॉर द गुड. एंड आई हैव जस्ट बीन लाइक आई होप दिस कंटिन्यूज एंड आई गेट टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स इवन इन. वी तो लव यू एंड द स्क्रीन लव्स यू एंड आई थिंक ये जो आपने बात कही है आपके मुंह में आप घी नहीं खा रहे हैं आजकल शक्कर भी नहीं खा रहे हैं, गुड और ब्लैक कॉफी. आई मीन आई थिंक दैट जस्ट डू. कई सारी बार ऐसा होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कमर्शियल सिनेमा ना गर्ल्स आर नॉट फ्रेंड्स. ठीक है, हीरोइंस आर बिचेस जो काटती रहती है एक दूसरे, बट बोथ ऑफ यू आर व्हाट ग्रेट कमराडरी. मतलब अभी अभी मैंने देखा यू नो हाथों में हाथ कॉन्स्टेंटली एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना. कहाँ पे तू रेवती ऐसा. सो इट्स वेरी हां दोनों बहनें हैं एकदम दोनों. ही इज फीलिंग वेरी जेलस. हां हां दोनों बहनें मुझे समय नहीं देती है बिल्कुल. बॉयज फील अ लिटिल लेफ्ट आउट फील होता है उनको. हम अभी वॉशरूम भी साथ में गए, हमको तभी बोला कि आप लोग बहुत चिल्ला रहे थे, क्या इतना बात हो रहा था. तो हमने तभी वही बोला कि सुबह से द बॉयज आर विथ अस. मतलब कोटा में भी शूट के टाइम पे भी एक दिन होता है जिस दिन इनका वो गर्ल्स डे होता है. मतलब हम ढूंढते हुए पहुंचे, भाई यार दोनों लड़कियां कहां गायब चली, तो दोनों एक ही कंबल में पड़ी हुई. हम तो फिल्म देख रहे थे, हम तो फिल्म देख रहे थे और ना और दो तीन कटोरियां उसकी केक की और कॉफी की. ये लोग बोल रहे थे हम केक की और मतलब कॉफी पे ओडी करके ये लोग दोनों पड़े हुए हैं. जगह जगह चॉकलेट और वो तिरामिसू पड़ा हुआ है और सब. तिरामिसू कब खाया हमने? कुछ भी